हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ़ सेमीकंडक्टर डायोड क्वेश्चन नंबर वन है एक क्रिस्टल डायोड हैज क्रिस्टल डायोड में क्या होता है कितना पीएन जंक्शन होता है एक पीएन जंक्शन होता है वन पीएन जंक्शन क्वेश्चन नंबर टू है ए क्रिस्टल डायोड हैज फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल डायोड में फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है वो किस में होता है किलो ओम ओम मेगा ओम नन ऑफ द एभब टू का क्या हो जाएगा ओम में होता है क्रिस्टल डायोड का जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है वो ओम में होता है क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ़ द एरो ऑफ क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विथ विथ रिस्पेक्ट टू बार देन डायोड इज डैश कह रहा था एरो ऑफ क्रिस्टल डायोड जो है द एरो ऑफ ए क्रिस्टल डायोड सिंबल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बार देन डायोड इज डैश बैस कौन सा बेसिंग में हो जाएगा डायोड फॉरवर्ड बेसिंग में फॉरवर्ड बेसिंग में इधर पॉजिटिव इधर ये एनोड इधर एनोड इधर कैथोड क्वेश्चन नंबर फोर है द रिवर्स करेंट इन ए डायोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिवर्स करेंट कितना होता है डायोड में रिवर्स करेंट जो है किस में हम लोग मेजर करते हैं माइक्रो एम्पियर में रिवर्स करेंट को माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए सिल्कन डायोड इज फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है सिल्कन डायोड के अक्रॉस जीरो पॉइंट सेवन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फाइव का डी जीरो पॉइंट सेवेन होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स है ए क्रिस्टल डायोड इज़ यूज एज क्रिस्टल डायोड का किसके लिए यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है किसके लिए रेक्टिफायर के लिए, लिए यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवन है द डी सी रेसिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज डैश इट्स ए सी रेसिस्टेंस क्रिस्टल डायोड का डी सी रेसिस्टेंस जो है वो क्या होता है लेस देन होता है ए सी रेसिस्टेंस से ए सी रेसिस्टेंस से लेस देन होता है क्वेश्चन नंबर एट है एन आइडियल क्रिस्टल डायोड इज वन विच बिहेव्स एज ए परफेक्ट डैश वेन फॉरवर्ड बैश आइडियल क्रिस्टल डायोड जो है वो इज वन विच बिहेव्स एज कंडक्टर वेन फॉरवर्ड बेस जब फॉरवर्ड बेस में रहेगा तो कंडक्टर की तरह काम करेगा क्वेश्चन नंबर नाइन है द रेशियो ऑफ रिवर्स रेसिस्टेंस एंड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ ए जर्मेनियम क्रिस्टल डायोड इज अबाउट क्या रेशियो होता है रिवर्स रेसिस्टेंस का और फॉरवर्ड रेसिस्टेंस का जर्मेनियम में क्या रेशियो होता है फोर्टी थाउजेंड इज टू वन क्वेश्चन नंबर टेन है द लीकेज करेंट इन ए क्रिस्टल डायोड इज़ ड्यू टू लीकेज करेंट किसके द्वारा होता है क्रिस्टल डायोड में माइनोरिटी कैरियर के द्वारा माइनोरिटी कैरियर के द्वारा क्वेश्चन नंबर एलेवन है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इंक्रीजेज देन लीकेज करेंट क्रिस्टल डायोड में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लीकेज करेंट में क्या होगा इंक्रीज करेगा लीकेज करेंट क्या होगा इंक्रीज करेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है पी आई वी रेटिंग ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज डैश दैट ऑप इक्वेरेंट भैकम डायोड पी आई वी रेटिंग क्या होता है क्रिस्टल डाओड का भैकम डाओड के कंपेरिजन में लोअर होता है पी आई वी रेटिंग जो है क्रिस्टल डायोड का लोअर होता है कंपेयर टू वैकम डायोड क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इफ द डॉपिंग लेवल ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर डॉपिंग लेवल आप क्रिस्टल डायोड में बढ़ाते हो तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा डिक्रीज़ करेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज करेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द नी वोल्टेज ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नी वोल्टेज कितना होता है क्रिस्टल डायोड में नी वोल्टेज कितना होता है द नी वोल्टेज ऑफ ए क्रिस्टल डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता है बैरियर पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है वेन द ग्राफ बिटवीन करेंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस ए डिवाइस इज ए स्ट्रेट लाइन द डिवाइस इज रेफर टू एज इस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर डिवाइस बोलेंगे करेंटर वोल्टेज का जो है स्ट्रेट लाइन देगा तो लीनियर डिवाइस बोलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है वेन द क्रिस्टल डायोड करेंट इज लार्ज द बैस इज जब क्रिस्टल डायोड करेंट जो है लार्ज होता है तो कौन सा बैसिंग होगा फॉरवर्ड बैसिंग में लार्ज होगा फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है ए क्रिस्टल डायोड इज ए डैश डिवाइस क्रिस्टल डायोड जो है किस तरह का डिवाइस है नॉन लीनियर डिवाइस है कैसा डिवाइस है नॉन लीनियर डिवाइस है क्वेश्चन नंबर एटीन है ए क्रिस्टल डायोड यूटिलाइज डैश करेक्टरिस्टिक्स फॉर रेक्टिफिकेशन क्रिस्टल डायोड कौन सा करेक्टरिस्टिक्स रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करता है फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है वेन ए क्रिस्टल डायोड इज़ यूज एज ए रेक्टिफायर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन इज़ क्रिस्टल डायोड को जब रेक्टिफायर की तरह यूज किया जाता है तो सबसे मुख्य जो है कॉन्सिड्रेशन क्या है पी रेटिंग क्या है पी रेटिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इफ द डॉपिंग लेवल इन ए क्रिस्टल डायोड इज इंक्रीज द विर्थ ऑफ डिप्लिसन लेयर जब डॉपिंग लेवल आप बढ़ाते हैं क्रिस्टल डायोड में तो डिप्लिसन लेयर का विर्थ में क्या प्रभाव पड़ता है इंक्रीज करता है विर्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है इंक्रीज करता है ट्वेंटी वन है ए जीना डायोड हैज जीना डायोड में कितना पीएन जंक्शन होता है जीना डायोड में कितना पीएन जंक्शन होता है एक पीएन जंक्शन होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है ए जीना डायोड इज यूज एज जीना डायोड का किसके लिए यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है द डॉपिंग लेवल इन ए जीना डायोड इज डैश डैट ऑफ क्रिस्टल डायोड क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री का ट्वेंटी थ्री का क्या हो जाएगा क्वेश्चन है द डॉपिंग लेवल इन ए जीना डायोड इज डैश ऑफ क्रिस्टल डायोड डॉपिंग लेवल क्या होता है डॉपिंग लेवल क्या होता है ज्यादा होता है डॉपिंग लेवल ज्यादा होता है जीना डायोड में कंपेयर टू क्रिस्टल डायोड। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है ए जीना डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड कैसे कनेक्ट किया जाता है हमेशा जीना डायोड को रिवर्स बैस में कनेक्ट किया जाता है जीना डायोड को हमेशा रिवर्स बैस में कनेक्ट किया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है ए जीना डायोड यूटिलाइज डैश करेक्टरिस्टिक्स फॉर इस ऑपरेशन कौन सा करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करता है जीना डायोड रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है इन द ब्रेकडाउन रीजन ए जीना डायोड बिहेव्स लाइक ए डैश सोर्स ब्रेकडाउन रीजन में जीना डायोड किस सोर्स की तरह काम करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है ए जीना डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ़ इट जीना डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा कब जब इट कैरीज मोर देन रेटेड करेंट इट कैरीज मोर देन रेटेड करेंट से ज़्यादा होगा तो जीना डायोड क्या होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है ए सीरीज रेसिस्टेंस इज़ कनेक्टेड इन द जीना सर्किट टू सीरीज रेसिस्टेंस जो है कनेक्ट किया जाता है जीनर सर्किट में प्रोटेक्ट द जीनर जीनर को प्रोटेक्ट करने के लिए जीना डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है ए जीना डायोड इज ए डैश डिवाइस जीना डायोड किस तरह का डिवाइस है नॉन लीनियर डिवाइस है क्वेश्चन नंबर थर्टी है ए जीना डायोड हैज डैश ब्रेकडाउन वोल्टेज जीना डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है क्या होता है शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है डैश रेक्टिफायर हैज़ द लोएस्ट फॉरवर्ड रेसिस्टेंस कौन सा रेक्टिफायर में लोएस्ट फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर में लोएस्ट फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है मेंस एसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर फोर थर्टी टू का क्या हो जाएगा यूजिंग द यूजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है द डिसडवाटेज ऑफ हाफ़ वेब रैक्टिफायर इज़ डैट हाफ वेब रेक्टिफायर का क्या डिसएडवाटेज है आउटपुट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिल्टर क्या हो जाएगा आउटपुट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिल्टर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है इफ़ ए सी इनपुट ऑफ ए हाफ़ वेब रेक्टिफायर है आर एम एस वैल्यू दिया है चार सौ बटे रूट टू दिया है देन पी आई वी रेटिंग क्या हो जाएगा तो पी आई वी रेटिंग इजकल टू क्या होता है पी आई वी इजकअल टू होता है रेटिंग इज इजकल टू आर रूट टू रूट टू इंटू आर एम एस वैल्यू रूट टू इंटू आर एम एस वैल्यू तो क्या हो जाएगा रूट टू इंटू आर एम एस कितना दिया है फोर हंड्रेड बाई रूट टू रूट टू रूट टू कट गया कितना गया है फोर हंड्रेड वोल्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ़ वेव रेक्टिफायर इज हाफ़ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है नेक्स्ट है रिपिल फैक्टर ऑफ हाफ़ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा तो देखिए रिपल फैक्टर इक्वल टू क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपिल फैक्टर इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर क्या हो जाएगा रूट अंडर आई आर एम एस बटे आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस वन और आई आर एम एस इज इजकॉल टू क्या होता है ये फार्मूला होता है रिपिल फैक्टर का और आई आर एम एस इज इजकॉल टू क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम करेंट बटे टू और आई डी सी एवरेज वैल्यू क्या होता है आई एम बटे पाई फार्मूला में पुट कीजिए आपको आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा रिपिल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का वन पॉइंट टू वन क्या हो जाएगा वन पॉइंट टू वन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्टी फाइव का बी थर्टी फाइव का सॉरी इसको कैलकुलेट कीजिए थर्टी फाइव का क्या हो जाएगा वन पॉइंट टू वन कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू वन आर एम एस वैल्यू आपको रिपील फैक्टर निकाल देना है फार्मूला पे तो वहाँ से हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना आ जाएगा वन पॉइंट टू वन और वही फुल वेव रेक्टिफायर का रिपिल फैक्टर पूछेगा तो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर एट हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफार्मर फोर ट्रांसफार्मर का नीड किसके लिए होता है ट्रांसफार्मर का नीड किसके लिए होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर जो रेक्टिफिकेशन होता है जैसे कि हाफ ब्रिज ब्रिज रेक्टिफायर तो किस में होता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफायर का जरूरी होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है दी आई वाई द पी आई वी रेटिंग ऑफ इच डायोड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर इज डैश डैट ऑफ द इक्विवेलेंट सेंटर टैप रेक्टिफायर क्या हो जाएगा पी आई वी रेटिंग ऑफ इच डायोड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर प्रत्येक डायोड जो होता है चार डायोड होता है ब्रिज रेक्टिफायर में करा इज डैश ऑफ द इक्विवेलेंस सेंटर टैप रेक्टिफायर वन हाफ़ होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर से वन हाफ़ होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ए सेंटर टैप रेक्टिफायर इज डैश देन डैट ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर क्या हो जाएगा थर्टी एट का वन हाफ क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है इफ़ द पी आई वी रेटिंग ऑफ ए डायोड इज एक्सीडेड जब पी आई वी रेटिंग एक्सीड करता है बढ़ा बढ़ता है तो क्या होगा द डायोड इज डिस्ट्रॉयड डायोड क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉयड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी है ए टेन वोल्ट पावर सप्लाई वुड यूज डैश एज फिल्टर कैपेसिटर दस वोल्ट का जो पावर सप्लाई है वो फिल्टर कैपेसिटर में कौन सा कैपेसिटर यूज करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज़ करता है कौन सा यूज़ करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है ए वन थाउजेंड वोल्ट पावर सप्लाई वुड यूज डैश एज फिल्टर कैपेसिटर एक हज़ार वोल्ट का पावर सप्लाई है वो फिल्टर कैपेसिटर में कौन सा फ़िल्टर का यूज़ करेगा ये क्वेश्चन है तो वो पेपर कैपेसिटर का यूज़ करेगा कौन सा कैपेसिटर यूज़ करेगा पेपर कैपेसिटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है द फिल्टर सर्किट रिजल्ट्स इन द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन द फिल्टर सर्किट रिजल्ट इन द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा चौक इनपुट चौक इनपुट क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है ए हाफ वेव रेक्टिफायर है एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ टू फोर्टी वोल्ट आर एम एस इफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशियो ऑफ एट इज टू वन देन द पिक लोड वोल्टेज इग्नोर डायोड ड्रॉप को इग्नोर करना है और आपसे पूछ रहा है जो पिक लोड वोल्टेज क्या होगा पिक लोड वोल्टेज कैसे निकालेंगे पिक लोड वोल्टेज तो देखिए आपका नंबर ऑफ टर्न क्या दिया हुआ है मनो नंबर ऑफ़ टर्न जो है मींस एन वन बटे एन टू का रेशियो क्या है एन वन बट्टे एन टू एट है एट इज टू वन ये आपका दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है भी आर एम आर एम एस वैल्यू दिया हुआ है आर एम एस वैल्यू कितना है दो सौ चालीस वोल्ट यही है ना एक बार देख लीजिए दो सौ चालीस वोल्ट भी आर एम एस दिया है तो भी आर एम एस दो सौ चालीस दिया है यहाँ से मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज निकाल लीजिए मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज क्या हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज क्या हो जाएगा इजकॉल टू रूट टू इन टू आर एम एस प्राइमरी वोल्टेज तो रूट टू इन टू कितना दिया है आर एम एस वोल्टेज दो सौ चालीस है तो दो सौ चालीस दो सौ चालीस रूट टू आ गया ठीक है अब आपको पूछ रहा है द पिक लोड वोल्टेज तो पिक लोड वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा पिक लोड वोल्टेज जो है या सेकेंडरी वोल्टेज पिक लोड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जो आपका मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज आया है वी पी एम प्राइमरी वोल्टेज क्या होता है रूट टू इंटू आर एम एस वैल्यू तो ये जो भी पी एम आया है मैक्सिमम प्राइमरी वोल्टेज वो इंटू एन टू एन टू बाई एन वन इसको कैलकुलेट कर दीजिए ये कितना आया है दो सौ चालीस ये है दो सौ चालीस रूट टू यह है आपका एन टू एन टू बाई एन वन कितना हो जाएगा एन वन बाई एन टू एट है तो वन बाई एट हो जाएगा तो दो सौ चालीस रूट टू इन टू वन बाई एट इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे आपको फोर्टी टू पॉइंट फाइव के अप्रोक्स आ जाएगा कितना आएगा फोर्टी टू पॉइंट फाइव कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है द मैक्सिमम एफिशियंसी ऑफ हाफ़ वेव रेक्टिफायर इज हाफ़ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशियंसी कितना होता है फोर्टी पॉइंट सिक्स और फुल वेब फुल वेब रेक्टिफायर का एफिशियंसी कितना होता है एट्टी वन पॉइंट टू तो हाफ वेव का पूछा है तो कितना हो जाएगा फोर्टी पॉइंट सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज़ कौन सा रेक्टिफायर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का कौन सा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच